हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल स्टार आज के इस वीडियो में हम मार्सिलिय ऑफ पडवा के बारे में पढ़ेंगे मार्सिलियस ऑफ पडवा का पीरियड 1270 सेवेंटी से लेकर थ्री टू के बीच में होता है फ्रेंड्स मार्सिलियस और मार्सिलियो दोनों ही एक ही व्यक्ति है हम कहीं इन्हें मार्सिलियस के नाम से जानते हैं और कहीं मार्सिलियो चलिए शुरू करते हैं

ही वॉज़ फिजिशियन एंड स्टूडेंट ऑफ फ़िलासफी थियोलॉजी एंड लॉ वो एक फिजिशियन थे और उन्होंने फ़िलासिफी थियोलॉजी और लॉ की भी पढ़ाई की थी स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड टू सम लॉ मेड हिज माइंड साइंटिफिक सेक्युलर एंड क्रिटिकल मेडिसिन और लॉ की पढ़ाई ने बहुत हद तक इनके माइंड सेट को साइंटिफिक सेक्युलर और क्रिटिकल बना दिया था ही वॉज़ वेरी मच हेजिटेंट टू एक्सेप्ट एनी थिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू मार्सिलस की एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि किसी भी चीज़ को वो एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते उसके बारे में जानते थे सोचते थे परखते थे और तब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे टीचर इन पैरिस यूनिवर्सिटी एंड स्टेइंग एट पैरिस कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हिज आइडियाज़ एंड फिलोसफी पैरिस यूनिवर्सिटी में टीचर थे और पैरिस में रहते ही हुए उन्होंने अपने आइडियाज़ और फिलॉसफी को डेवलप किया बुक्स रिटन बाय हिम मार्सिलियस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम डिफेंस ऑफ पेसिस या इंग्लिश में इसको हम डिफेंडर ऑफ पीस के नाम से जानते हैं जो पब्लिश की गई थी थर्टीन ट्वेंटी फोर में और इस बुक की खासियत ये है कि इसमें फ्रीज हेट्रेड है पोप के अगेंस्ट में यानी कि पोप जो होते हैं वो चर्च के प्रीस्ट को हम पोप के नाम से जानते हैं और उनके खिलाफ बहुत ही हेटरेड लिखी गई थी इस बुक में पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मार्सिलियस कॉन्सेप्ट ऑन थॉट अब मार्सिलियस का जो विचार था वो कैसे बना एरिस्टोटल को मार्सिलियस फॉलो करते थे फॉलोइंग एरिस्टोटल मार्सिलियो ऑल्सो सेड फैमिली इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अ स्टेट फैमिली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी द सोसाइटी इज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एरिस्टोटल को भी फॉलो करते हुए मार्सिलस ने भी एक्सेप्ट किया था कि फैमिली जो है वो स्टेट का एक प्राइमरी स्टेज है फैमिली से ही सोसाइटी का डिवलपमेंट होता है और ये सोसाइटीज़ कलेक्टिवली स्टेट का फॉर्मेशन करती है फ्रेंड्स आपको याद होगा एरिस्टोटल जो है उन्होंने कहा था कि मैन जो है वो एक सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है वो अकेले नहीं रह सकता इसीलिए वो एसोसिएशन बनाएगा और इसी एसोसिएशन से फैमिली का जन्म होता है बहुत सारी फैमिली में इनके सोसाइटीज बनाती है सोसाइटीज़ आगे चल के स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं तो स्टेट एक ग्रेजुअल प्रोसेस के मदद से एग्जिस्टेंस में आता है नाउ द स्टेट केम इनटू टू एक्जिस्टेंस टू फुलफिल द कॉमन नीड्स एंड टू मटेरियलाइज अ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स, स्टेट अस्तित्व में इसलिए आया ताकि जो कॉमन लोग हैं और जो कॉमन नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके कॉमन नीड्स को फुलफिल कर सके लोगों के लिए और उनके बीच में कोऑपरेशन को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सके ताकि वो कलेक्टिवली स्टेट के अंदर हारमोनी के साथ रह सके ये ऑल्सो क्लासीफाइड गवर्नमेंट अंडर टू हेड्स जस्ट एज एरिस्टॉटल एंड दे आर गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट गवर्नमेंट एंड डिजीज इन द इंटरेस्ट ऑफ ओन गवर्नमेंट एरिस्टोटल ने जब वन फिफ्टी एट ग्रीक सिटी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो उन्होंने गवर्नमेंट के क्लासिफिकेशन दिए थे तीन नॉर्मल तीन परवर्टेड गवर्नमेंट ठीक उसी तरीके से मार्सिलियस ने भी तीन गुड गवर्नमेंट और तीन डिजीज गवर्नमेंट के बारे में बताया है अब गुड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है गुड गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के बारे में सोचे इन द इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि अपने प्रजा के बारे में सोचे डिजीज गवर्नमेंट डिजीज गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ ओन यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो सत्ता में आई है केवल अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो क्या है तीन गुड गवर्नमेंट और तीन डिजीज गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट में मार्सिलियो ने मोनार्की एरिस्टोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को रखा है डिजीज गवर्नमेंट में उन्होंने टाइरिनी ओलीगार्ची और डिक्टेटरशिप को रखा है एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जगह पे पॉलिटी रखी थी और डिक्टेटरशिप के जगह पे डेमोक्रेसी ये डिफरेंस हम देख सकते हैं उन दोनों के बीच में अब गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है

भड़क जाता है और अग्रेसिव हो जाता है सो ही सजेस्टेड फर्स्ट ड्यूटी ऑफ स्टेट इज़ द रिप्रेशन ऑफ परवर्स विल ऑफ़ मैन इसीलिए उन्होंने कहा कि स्टेट का सबसे पहला ड्यूटी है कि मैन के परवर्स विल को ही रिप्रेस करना यानी कि उसको कंट्रोल करना दिस परवर्स नेचर ऑफ़ मैन इज़ इंजूरियस टू सोसाइटी अगर मैन का परवर्स नेचर इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेगा तो वो सोसाइटी के लिए इंजूरियस है यानी कि खतरनाक है बाई फोर्सिंग मैन टू डू देयर ओन वर्क एंड नॉट टू इंटरफेयर विथ अदर्स अफेयर्स स्टेट का दूसरा फंक्शन है लोगों को ज़बरदस्ती उनके काम में बिज़ी रखना ताकि वो दूसरों के काम में इंटरफेयर ना कर पाए बाई क्रिएटिंग अ कॉन्जीनियल एटमोसफेयर ऑफ डेवलपमेंट स्टेट कैन कंट्रोल इट्स पीपल स्टेट का तीसरा फंक्शन है कि वो एक बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर क्रिएट करे एक अप्रोप्रिएट एटमोसफेयर क्रिएट करे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जिसके मदद से वो लोगों को कंट्रोल कर पाएगा यानी कि मार्सिलो ने कहा कि स्टेट को ना एक ऐसा एटमोसफेयर डेवलप करना चाहिए यानी कि गवर्नमेंट को एक ऐसा एटमोसफेयर डेवलप करना चाहिए अपने अंदर जिसके मदद से वो लोगों को कंट्रोल कर पाए अनदर वर्क और फंक्शन ऑफ स्टेट इज रियलाइजेशन ऑफ़ ट्रैंक्विलिटास विच मीन्स पीस एंड सिक्योरिटी विच ही कंसिडर्ड एज कंडीशन ऑफ़ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी मार्सिलस ने कहा कि स्टेट का दूसरा फंक्शन ये है कि वो ट्रैंक्विलिटास यानी कि पीस और सिक्योरिटी को रियलाइज करे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए एक स्टेट के he six types of people living in a state: judge, soldier, farmers, artifacts, capitalist, and priest. मार्सिलियस ने छ तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया है उन्होंने कहा है कि जिस तरह के लोग जो होते हैं वो एक स्टेट के अंदर रहते हैं जजेस सोल्जर्स फार्मर्स आर्टिफिशर्स कैपिटलिस्ट और प्रीस्ट he uh, according to him the last function of the state it is a duty of the government to allot each man his proper work and keep him at it अब क्योंकि मार्सेलेस ने कहा कि क्षेत्र के लोग रहते हैं एक स्टेट के अंदर तो उन्होंने कहा है कि ये ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो हर एक लोग को उसके हर एक पर्सन को उसके प्रॉपर वर्क को असाइन करें यानी कि जैसे जज का काम है न्याय दिलाना तो वो उनको न्याय दिलाने का काम सौंपेंगे सोल्जर्स का काम है प्रोटेक्ट करना तो वो उनको प्रोटेक्शन का काम देंगे इसी तरीके से हर एक पर्सन का जो प्रॉपर वर्क है वो गवर्नमेंट असाइन करेगा लोगों को तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में हमने मार्सिलियस के लाइफ के बारे में उसके बाद उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में देखा स्टेट से रिलेटेड उनके क्या विचार थे उसके बारे में स्पेसिफिकली देखा और स्टेट का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ पर चर्च से रिलेटेड उसके बाद उनके आइडियाज ऑफ लॉ सॉवर्निटी इसी तरीके से अगले पार्ट्स में हम उनके बारे में और जानेंगे तब तक के लिए इतना ही होप आपको समझ में आया होगा मार्सिलियस के बारे में दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए मार्सिलियस ऑफ पडवा वो एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग की बेस तैयार की थी मैकियावेली मॉडल पॉलिटिकल थिंकर हैं और जब आप मेखियावली को पढ़ेंगे तो सिमिलरली आपको उनका जो थॉट है वो ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल मिलता जुलता है मार्सिलियस से तो ये था मेरी तरफ़ से थैंक यू कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं थैंक यू